Hello class, this is the third video of 10 series in which we are going to learn today, which is past simple tense. So as of now, I have made a video over present continuous tense and present indefinite tense. So aaj ki video mein, without wasting time, let's start and learn past simple tense. So past simple seekhte samay, what are the things that we have to learn is, iski helping verb kya hai aur iski main verb kya hai basically. Okay, so let's start. So, agar we talk about helping verb of past simple tense, which is did. And let me tell you one interesting thing about did is, hum isko negative sentence mein and interrogative sentence mein hum use karte hain. Otherwise, we do not use did in simple sentences. Okay? So, we learnt one thing that did ko hum use karne wale hain sirf negative sentences mein and interrogative sentences. Which means hum simple sentences mein did ko use nahi karenge. But only hum negative and interrogative sentences mein we are going to use did. Agar hum iski helping verb ki baat karte hain, which is first form of the main verb and second form of the main verb. Example dekh lete hain. First form can be go, iski second form ho gayi went. Example can be teach. Teach is an example of first form aur iski second form ho gayi taught. Right. Example can be fight, second form would be fought. Example can be look, second form would be looked. Watch, watched. Play, played. So, हम ये दोनों form को use करने वाले हैं to make the sentences of past simple. And let me tell you one thing, past simple को हम past indefinite के नाम से भी जाने जाता है. Alright. So, हमने did समझ लिया है. Did को हम इन situations में use करेंगे. And first form and second form हम use करेंगे. मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. Alright. अब हम बात करते हैं हिंदी की. So, ऐसे sentences जो आपने या फिर ऐसे काम जो आपने किए. Right. ऐसे काम जो हुए पास्ट में उनके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना यस्टरडे डिफाइन करना पड़े, फॉर एग्जांपल आपको अपना लास्ट संडे डिफाइन करना पड़े, फॉर एग्जांपल आपको कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ आपकी लाइफ में जो एक महीने पहले हुआ हो उसको डिफाइन करना हो, या फिर कोई भी अच्छा मोमेंट हुआ हो या फिर बैड मोमेंट हुआ उसको डिफाइन करने के लिए आपको यही टेंस जरूरी होता है, विच इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ऑलराइट, अगर हम हिंदी की बात ही कर लेते हैं, सो हम इस तरह की हिंदी को गो थ्रू या फिर पास बाय करेंगे, जो है या, यी, ये, आ, ई, ए, था, थी, थे. सो ऐसे सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि वो आया. सो यहां पर आ या की साउंड आ रही है या फिर आ की साउंड भी आ रही है. मैंने उनसे बात की, सो यहां पर ई की साउंड आ रही है. राइट, वो आए, ए की साउंड आ रही है. राइट, वो आए थे और था की साउंड भी यहां पर आ रही है. सो ये साउंड आपको देखने को मिलती है और यही हमारी हिंदी होती है, जहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि यही सेंटेंसेस होते हैं जो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट और वी कैन कॉल दैट पास्ट सिंपल टेंस. ओके, अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमें वी हैव टू लर्न वन फॉर्मूला, दैट इज हमें सारे सब्जेक्ट के साथ वी टू लगाना पड़ेगा. विच मीन्स हमारे पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, विच कैन बी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इट कैन बी एनी बडीज नेम, उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, वी टू लगाना पड़ेगा टू जस्ट मेक सिंपल सेंटेंस. बिकॉज सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको अभी बताया वी डू नॉट यूज डिड, हम इनको सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करने वाले. लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मैं गया, विच मीन्स आई वेंट, मैंने देखा आई सॉ, मैंने खेला आई प्लेड और वी कैन ऑल्सो मेक दैट आप आए, यू केम, आप टाइम पर आए, यू केम ऑन टाइम, आपने मेरी क्लास ली, यू टुक माई क्लास. टुक इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक. सो रिमेंबर दिस वन, हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है सो हमें सिर्फ सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वी टू लगाना पड़ेगा. और हम इस तरीके को इस तरीके से भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, सिर्फ वी टू लगाना है. और ऑब्जेक्ट तो ऑप्शनल होता है, इसे लगा भी सकते हैं, इसे नहीं भी लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे आई टॉट यू, विच मीन्स कल मैंने आपको पढ़ाया. सो यस्टरडे आई टॉट लगाया मैंने, बिकॉज टॉट इज वॉट, taught is the second form of teach, right? So इस तरीके से हम simple sentences को बना सकते हैं. Now we are going to learn how to make negative sentences. Let's learn how to make negative sentences of past indefinite tense or we can call that past simple tense. मैंने आपको बताया negative sentence की जब बात आती है और जब हम interrogative की बात करते हैं, so we have to call that thing which is did. यहाँ पर आप did का use करने वाले हैं और did में नेगेटिव बनाने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, विच बिकम्स डिड नॉट. सो ये हम यूजुअली बोलते हैं लाइक आई डिड नॉट,
she did not, he did not, they did not. For example, if I call my name, so I can say Pawan did not, right? Rahul did not, Rajiv did not. So negative बनाने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर did का इस्तेमाल करना पड़ेगा और did के आगे एक word लग जाएगा that is not, जो अपने आप में ये बताता है कि चीजें negative जा रही है, which means हम negative sentence बना रहे हैं. अगर आप did not use नहीं करना चाहते तो उसका एक contraction भी हमारे पास है which can be this one. इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ. उसका जो पहला तरीका है जिससे हम प्रोनाउंस करते हैं वो है didn't, right? Didn't. इसको हम did not बोलेंगे, इसको हम didn't बोलेंगे, लेकिन इसकी दूसरी प्रोनाउंसिएशन है didn't. सो इसको दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एक है didn't, सेकेंड है didn't. I would say my recommendation to you guys would be calling this word as didn't, not didn't. Didn't is something kind of, you know, like weird or strange. मैं उसको बोलूंगा या फिर आप did not बोलो या फिर आप बोलो didn't, right? So didn't would be very comfortable and would be very ordinary, right? So हम didn't को लगा सकते हैं और इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा subject. Subject के बाद हमें didn't को use करना पड़ेगा और इसके बाद हम use करने वाले हैं main verb की first form. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो second form हम use करते हैं simple sentence बनाने में, but when it comes to making negative and interrogative sentences तो हमें यहाँ पर किसको को बुलाना पड़ेगा, we have to use first form. First form is what? Like go, take, think, observe, take, right? Take bath, think, read, write. हमें सारी forms use करने पड़ेगी जिनको क्या बोलते हैं first form use. तो subject के बाद didn't लगाना है और उसके बाद main verb लगा दीजिए. For example, मैं बोलना चाहूँगा मैं नहीं गया, I didn't go. I can say this, right? मैम अगर मुझे बोलना पड़े कि मैंने class नहीं ली, so I can simply say I didn't take the class. I did not take the class, right? So इस तरीके से हम sentence बना सकते हैं. For example, I can say I didn't take class. राइट, इट मीन्स मैंने क्लास नहीं ली. सो डिडेंट के बाद हमेशा क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, रिमेंबर दिस वन, राइट? सो यू कैन थिंक लाइक दैट, अगर डिड आ रहा है सो वी हैव टू यूज वी वन. और सिंपल सेंटेंस में आपको पता है कि हम वी टू यूज तो करते हैं, राइट? आई वुड लाइक टू मेक वन मोर सेंटेंस विच इज शी डिडेंट कॉल मी. She didn't call me, which means उसने मुझे कॉल नहीं किया, राइट? एक और बना देता हूं, they didn't invite us. They didn't invite us, which means उन्होंने हमें invite नहीं किया, उन्होंने हमें आमंत्रण जो like पत्र होता है, letter होता है, वो हमें नहीं दिया. So they didn't invite us, right? So इस तरीके से हम negative sentence भी बना सकते हैं. Remember one more thing, negative sentence बनाने के लिए हम did को बुलाते हैं और उसके आगे लगा देते हैं not, which becomes did not, और did not का जो contraction होता है which becomes didn't, right? और did not के बाद हमेशा हम लगाने वाले हैं v1. So इस तरीके से हम sentence भी बना सकते हैं did not के. I would like to give 5 sentences of did not. For example, I didn't think that much. It means मैंने ज़्यादा नहीं सोचा. She didn't come to meet me. It means वो मुझसे मिलने नहीं आई. Yesterday I didn't take the class, which means मैंने कल क्लास नहीं ली. Right? I didn't broom in my room. It means मैंने घर में झाड़ू नहीं लगाई. So इस तरीके का हम sentence बना सकते हैं. You can make unlimited sentences with the help of this tense and this method, right? अब हम सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. लगा अगर हमें पास्ट में किसी से क्वेश्चन पूछना हो, राइट? सो हाउ कैन वी आस्क क्वेश्चंस, अब वो सीखने वाले हैं. Now we can have a look how to make interrogative sentences. Again, I want to repeat my words. There are two type of interrogative sentences. One of which answer would be either in yes or in no. Second में हम उन answers को explain करते हैं और explain करने के लिए we have to call off WH families. उसको भी हम सीखने वाले हैं. अगर हमें interrogative sentences बनाना है, so मैंने आपको बताया कि helping of को आगे लाना पड़ेगा और helping of क्या है हमारी did. So did को आगे ले आएंगे, उसके बाद हम subject लगा देंगे, उसके बाद main verb की first form लगा देंगे, right? So this is the formula और at the end हम object भी लगा देंगे, जो optional है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट? सो इस ये वाले फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं. एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे कि क्या आपने क्लास ली, सो डिड यू टेक क्लास. यहां पर मैं टुक नहीं लगा सकता बिकॉज मुझे पता है कि जब डिड आ गया है मेरे सेंटेंस में तो मैं सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकता बिकॉज सेकेंड फॉर्म यूज होती है सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में, राइट? लेकिन हमने इंटरोगेटिव और नेगेटिव में अभी देख रहे हैं कि जब डिड आ गया है तो हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, ऑलराइट? सो अगर मुझे पूछना हो कि क्या आपने क्लास ली, सो आई कैन सिंपली आस्क दैट डिड यू टेक क्लास. और अगर मुझे और सेंटेंस बनाने हो तो क्या वो टाइम पर आया, सो आई कैन मेक दैट डिड ही कम ऑन टाइम.
डिड ही कम ऑन टाइम. इट मीन्स मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं और इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट पॉसिबिलिटीज में ये होगा येस yes या फिर नो. अगर उसने बात की होगी सो आंसर वुड बी येस, नहीं की होगी सो ही विल डिनाय, राइट. सो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं जिसमें हम डिड को आगे लाते हैं और सब्जेक्ट तो कोई सा भी हो सकता है. आई वुड लाइक टू गिव वन मोर एग्जाम्पल ओवर देयर विच कैन बी डिड शी टॉक टू यू, क्या उसने आपसे बात की. सो इन विच आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके लिए कि क्या उसने आपसे बात की. सो हम इस हिंदी के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ वी कैन मेक सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और राइट नाउ वी आर लर्निंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट. बट देर आर सम फॉर्मूलाज जो आपको लर्न करने पड़ेंगे इन द बिगिनिंग टू जस्ट इंप्रूव पॉलिश एंड ब्रश अप योर स्पोकन इंग्लिश. सो इस तरीके से आफ्टर फॉलोइंग दिस फॉर्मूला वी कैन मेक tremendously lots of sentences of this particularly tense, right. अब हम इसमें बात करते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो इफ यू रिमेंबर द लास्ट क्लास डब्ल्यू एच फैमिली के लिए हम कुछ नहीं करते, सिर्फ हेल्पिंग ऑफ से पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगा देते हैं, यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होगी डब्ल्यू एच फैमिली की, राइट. अगर मुझे बोलना पड़े कि क्या तुम कल पार्क गए थे, सो माई सेंटेंस वुड बी डिड यू गो टू पार्क यस्टरडे, राइट. इट इज़ अ नॉर्मल सेंटेंस, इंटरोगेटिव है लेकिन इसका आंसर आप येस या नो में दे सकते हो. अगर मुझे उसमें थोड़ा सा और ब्रॉडनेस लानी पड़ेगी तो मैं बोल सकता हूँ आप कल पार्क कब गए थे. सो देर इज अ पर्टिकुलर वर्ड टू डिफाइन कब. सो कब को हम बोलते हैं वेन और उसके लिए हम लगा सकते हैं वेन, राइट. सो माई नाउ माई सेंटेंस वुड बी, नाउ माई क्वेश्चन सेंटेंस वुड बी वेन डिड यू गो टू पार्क यस्टरडे. नाउ इस सेंटेंस में मैं एक्चुअल टाइम जानना चाहता हूँ और टाइम बताने के लिए सामने वाले को एक्सप्लेन कराना पड़ेगा. तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनको एक्सप्लेन कराना पड़े उसके लिए वी स्टार्ट यूजिंग डब्ल्यू एच फैमिली. ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हियर सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल तरीके से सेटल हो जाए. सो माई सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ डिड यू Do it, which means आपने कैसे किया, right? अगर मुझे पूछना होगी क्या आपने ये किया, so my sentence would be did you do it, right? अगर उन्होंने किया होगा तो answer would be yes I did it. अगर नहीं किया होगा so no, right? अगर मुझे पूछना होगा कि आपने कैसे किया, so यहाँ पर मुझे कैसे को एक particular word मिल गया English में which is how, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी placement लगा दी in the very beginning of the sentence, so it becomes how did you do it, right? I would like to give one more example over here. सो दैट ये कॉन्सेप्ट और रिजिडनेस के साथ आपके यू नो ब्रेन में सेटल हो जाए. विच कैन बी डिड आई टीच यू वेरी वेल, डिड आई टीच यू वेरी वेल. सो दिस इज द सेंटेंस गाइज, हूएवर वॉचिंग दिस वीडियो इज फॉर यू. सो इफ यू लव द मेथड द वे आई एम टीचिंग यू, सो यू कैन कॉमेंट इन द यू नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कॉमेंट अस, राइट. सो लाइक हाउ एम आई टीचिंग यू कैन टेल अस. सो दिस इज समथिंग लाइक डिड आई टीच यू वेरी वेल, क्या मैंने आपको सही पढ़ाया. अगर मुझे इसमें और एनहेंसमेंट करनी पड़े मैंने आपको कैसे पढ़ाया, राइट. सो यहां पर मैं लगा सकता हूं हाउ डिड आई टीच यू, हाउ डिड आई टीच यू, राइट. इस तरीके से हम सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी कैन मेक सो इजिली एंड वी कैन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश आफ्टर. एंड ये एक ऐसा टेंस है गाइज, लेट मी टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस, अगर आपको टेंस आता है तो आप ऐसे सेंटेंस को कवर अप कर सकते हो जो पास्ट में कभी ना कभी हुए थे. ये स्टोरी टेलिंग के लिए या फिर रिपोर्टिंग करने के लिए या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में एक पर्टिकुलर प्लेस में हुए थे उनको डिस्क्राइब कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ past indefinite sentence, right. So with this I'm gonna end this video, and if you like this video so you can subscribe our channel, and if you want more and more videos so just you know like the hit button, and you can share this video with your friends. Thank you so much.